5.2 पारिस्थितिक तंत्र से अभिप्राय, मीनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम। प्रकृति के घटकों में अंतर संबंध के कारण अपने आप संचालित एक व्यवस्था बन जाती है, जिसे हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। यह कतई जरूरी नहीं है कि यह व्यवस्था निरंतर एक जैसी बनी रहे। प्राकृतिक परिघटनाओं के फलस्वरूप इसमें लगातार बदलाव आता रहता है। मानवीय हस्तक्षेप से भी इसमें व्यापक परिवर्तन आ सकता है। इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिक तंत्र शब्द का उपयोग सबसे पहले 1935 में A.G. टेंसले ने किया था। टेंसले के अनुसार पर्यावरण का अध्ययन उसके सभी जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंधों के आधार पर बनी एक व्यवस्था अर्थात पारिस्थितिक तंत्र के रूप में किया जाना चाहिए। किसी क्षेत्र विशेष के जैविक समुदाय के साथ अजैविक घटकों के अंतर संबंध तथा उनमें होने वाले फेरबदल की विस्तृत अध्ययन को पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन कहा जाता है। किसी पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन हम किसी पेड़, बगीचे, खेत, तालाब, गुफा, जंगल आदि इलाके में कर सकते हैं। कुटुमसर गुफा में कानी मछली के आवास का अध्ययन जब गुफा के सभी जैविक व अजैविक घटकों के बीच के अंतर संबंध के आधार पर किया जाएगा, तो यह एक पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन कहलाएगा। एक बड़ा पारिस्थितिक तंत्र समुद्र है तो एक छोटा तंत्र कोशिका है। कोशिका में कई सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, विषाणु आदि रहते हैं, जिनका कोशिका के अंदर के वातावरण के कई अजैविक घटकों के साथ अंतर संबंध है। इकोसिस्टम उन सभी ऑर्गेनिजम्स का एक समुदाय होता है जो अपने आसपास के वातावरण में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इकोसिस्टम की शुरुआत पेड़ पौधों से होती है, जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ग्रहण करते हैं। इसके बाद सूरज की एनर्जी का यूज करते हुए ये एनर्जी से भरे हुए मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, जिन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। इसलिए एक इकोसिस्टम के अंदर इन्हें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रोफ्स के नाम से भी जाना जाता है। ये मॉलिक्यूल्स किसी भी इकोसिस्टम के सभी ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी प्रदान करते हैं। बाकी सभी ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, उन्हें हम कंज्यूमर्स या हेटरोट्रोफ्स कहते हैं। इकोसिस्टम में बहुत से मॉलिक्यूल्स उनकी एनर्जी के साथ साथ साइकिल होते रहते हैं, क्योंकि कई ऑर्गेनिजम्स उन्हें एक जीव से दूसरे जीव को ट्रांसफर करते रहते हैं। एनर्जी ट्रांसफर का एक साधारण सा उदाहरण होगा जब कोई एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। खाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म के मॉलिक्यूल्स या एनर्जी या तो हीट के रूप में वेस्ट हो जाती है, या कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर छोड़ दी जाती है, या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में मल द्वारा निकल जाती है, और बचे हुए मॉलिक्यूल्स खाने वाले ऑर्गेनिज्म के बायोमास में शामिल हो जाते हैं। ऑर्गेनिज्म के मरने और उसके विघटन के बाद साइकिल पूरी होती है। ये प्रक्रिया सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसके बदले में वातावरण और प्रोड्यूसर्स को कई आवश्यक न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इकोसिस्टम काफी डायनेमिक होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स की संख्या हमेशा बढ़ती या घटती रहती है, और क्लाइमेटिक कंडीशंस भी बदलती रहती हैं। कुछ इकोसिस्टम काफी स्टेबल होते हैं, लंबे समय के अंतराल में बहुत कम बदलते हैं। सामान्यतः जिस इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी यानी विविधता जितनी ज्यादा होगी, वो उतना ही अधिक स्टेबल होगा। ऐसे इकोसिस्टम्स नॉर्मली प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या बड़े पैमाने पर आग लगने पर ही बदलते हैं। लेकिन ये ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि समय बीतने के साथ ये इकोसिस्टम्स फिर से सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। कोरल रीफ्स एक डाइवर्स इकोसिस्टम का बहुत अच्छा उदाहरण है। ये लगभग 50 करोड़ साल से अस्तित्व में है। कोरल्स वास्तव में कुछ सूक्ष्म एल्गी के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। इस इकोसिस्टम में एल्गी प्रोड्यूसर्स होते हैं। व्हील शार्क से लेकर पिस्टल श्रिम्प तक, सी कुकुम्बर से लेकर फाइटोप्लैंकटन तक, इस इकोसिस्टम में इतने सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जितने की एक क्लाउन फिश के डीएनए में बेसिस नहीं होते। क्या आप जानते हैं पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा के पहले जीवों के बीच अंतर निर्भरता की पहचान
और पर्यावरण के साथ उनके संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन को पारिस्थितिकी इकोलॉजी कहा गया था। यूनानी भाषा में इको का अर्थ है घर और लोगोस का अर्थ है अध्ययन। वैज्ञानिक अर्नेस्ट हेकल ने 1866 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग प्रकृति को एक घर की व्यवस्था के रूप में समझाने के लिए किया। 1869 में उन्होंने और अधिक विस्तार से परिभाषा दी। पारिस्थितिकी पौधों और जंतुओं का एक दूसरे से तथा उनके वातावरण से संबंधों का अध्ययन है। जीव वैज्ञानिकों के द्वारा इन अंतर संबंधों को समझने के लिए जीवों का जीवन चक्र, उनके प्रजनन संबंधी व्यवहार, परिजीविता, शत्रुओं से बचाव के तरीके आदि से संबंधित अवलोकन व अध्ययन किए जाते रहे हैं। चलिए एक पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन से अंतर संबंधों को समझने का प्रयास करते हैं।